Good morning students today we are going to solve extra quotients of chapter 5 coal and petroleum of class 8 science so let us start solving the extra questions question number 1 what are fuels answer a fuel is a any substance that releases large amount of energy in the form of heat and light when it is burnt फ्यूल क्या है कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जब आप उसको बर्न कर रहे हो जला रहे हो तो वो आपको लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूल फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूल्स क्वेश्चन नंबर टू वाई डू वी नीड फ्यूल्स हमें फ्यूल्स क्यों जरूरी हैं क्यों चाहिए हैं आंसर फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट परपजेस सच एज डिफरेंट परपजेस के लिए हमें फ्यूल्स रिक्वायर्ड है फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स आर यूज टू रन डिफरेंट व्हीकल्स सच एस कार्रक्स मोटरसाइकल्स ट्रेन एयरप्लेन इन सबको रन करने के लिए हमें डिफरेंट फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता है सेकेंड कुकिंग फ्यूल्स आर नीडेड फॉर कुकिंग फॉर इंस्टेंट एलपीजी इज यूज इन अर्बन एरियाज वाइल फायरवुड कोल कैचलडंक इज यूज इन रूरल एरियाज सेकेंड हमें किसके लिए चाहिए है कुकिंग के लिए चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए है तो जो सिटीज के जो एरियाज होते हैं डेवलप्ड एरिया है वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एंड फायरवुड हो गया लकड़ी है कोल है कैचल जंक है वो हम यूज करते हैं विलेज के एरियाज में रूरल एरियाज में थर्ड हीटिंग फ्यूल इज ऑल्सो यूज टू जनरेट हीट अगर आपको किसी को हीट देना है तो आप फ्यूल को यूज करते हो बर्न करते हो तो वो हीट रिलीज करता है फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डिफरेंट फ्यूल्स सचेस कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस डीजल्स आज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ पावर प्लांट्स पावर प्लांट्स क्या होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पे ये सब फ्यूल्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए फिफ्थ इंडस्ट्रियल यूजेज मैनी इंडस्ट्रीज यूज फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी रनिंग देअर मशीनरी एंड हीटिंग हीटिंग के लिए यूज करते हैं मशीनरी को रन करने के लिए यूज करते हैं इसलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है सिक्स रॉकेट एंड अदर स्पेस व्हीकल्स स्पेस व्हीकल्स मतलब जो कि आप एटमोसफेयर में लेके जाते हो ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं रॉकेट्स एंड अदर स्पेस व्हीकल्स में भी अपन फ्यूल्स का यूज करते हैं फ्यूल्स कॉल्ड प्रोपोलेंट्स आर यूज इन रॉकेट्स डाट हेल्प इन लॉन्चिंग द स्पेस व्हीकल ठीक है जब अपन रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं प्रोपोलेंट्स यूज करते हैं जो कि एज एन फ्यूल यूज किया जाता है एज

इट शुड नॉट एमिट पॉइजनस गैस इज ऑन बर्निंग जैसे हम उसको फ्यूल को बर्न कर रहे हैंज तो नहीं होना चाहिए फोर्थ इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास इट शुड है हाई कैलोफुलिक वैल्यू कैलरोफिलिक वैल्यू उसकी क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए वुड कम जले हमें कम अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो ठीक है कम अमाउंट पे हम वोट जलाएं और ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो उसको हम क्या बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरोफिक वैल्यू सब फ्यूल्स की अलग होती है कैरोसिन की अलग है एलपी की अलग है सी की अलग है ठीक है तो डिफरेंट फ्यूल्स की डिफरेंट कैलोरोफिक वैल्यू होती है तो हमें फ्यूल्स कैसा चूज करना चाहिए जिसकी हाई कैलोरोफिक वैल्यूज हो फिफ्थ इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको ठीक है और ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सको सिक्स इट शुड नॉट प्रोड्यूस अ बैड ऑर्डर जब वो बर्न हो तो उसमें कोई बैड ऑर्डर ना हो सेवेंथ इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस मैनी एसे एशेस जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो वो क्लीन हो उसमें कोई एश प्रेजेंट ना हो अनबर्न पार्टिकल रिलीज ना हो जो कि एटमोसफेयर में पॉल्यूशन कॉज करें

मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल कोल का कंपोजिशन क्या है आंसर कोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है कोल में कार्बन प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड स्मॉल अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट होता है तो दिस आर द कंपोजिशन ऑफ द कोल क्वेश्चन नंबर फाइव वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं आंसर पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट ईट सेवरल सब्सटांसेस डेट आर कमर्शियली सक्सेसफुल ठीक है पेट्रोलियम में क्या होता है बहुत सारे ऐसे सेवरल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिसको हम सेपरेट करके और वो बहुत ही कॉमर्शियल सक्सेसफुल है मतलब कॉमर्शियली बहुत ज्यादा यूजफुल है दस यूजफुल सब्सटांसिस ऑबटेन फ्राम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम से जो यूजफुल अपन को मिलता है वो क्या है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है जो कि बहुत ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स सच एस पोलीस्टर्स नाइलॉन एक एसेट्रा डिटर्जेंट्स पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक आपने प्लास्टिक वाला चैप्टर्स पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स पढ़े हैं जो कि किससे बनते हैं पेट्रोकेमिकल से बनते हैं पॉलीथीन क्या है पेट्रोकेमिकल से बनता है डिटर्जेंट्स क्या है पेट्रोकेमिकल से बनते हैं सो दैट इज वाई दैट्रोलियम इज कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्स बिकॉज दे आर यूज इन वेरियस कमर्शियल सक्सेसफुल पर्पजेस चुरल गैस इम्पोर्टेंट एज फॉसोफ्यूल्स नेचुरल गैस क्यू इम्पोर्टेंट है एस एन फोसोफ्यूल आंसर नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट फोसोफ्यूल बिकॉज फर्स्ट इट कैन इजली बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप पाइप के थ्रू सी एनजी को आप क्या कर सकते हो नैचुरल गैस को क्या कर सकते हो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इट इज स्टोर्ड एज सी एनजी विच इज यूज फॉर सेवर पर्पजेस एंड इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्यूफेक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर का स्टार्टिंग मटेरियल होता है और वेरियस पर्पज में आप उसको यूज कर सकते हो थर्ड नेचुरल गैस डज नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड हैज हाई क्लैरोफिक वैल्यू इसकी क्लेरोफिक वेल्यू क्या होता है लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और पॉल्यूशन कॉज नहीं करता नेचुरल गैस क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज सी एनजी यूजफुल सी एनजी यूजफुल क्यों है आंसर सी एनजी इज यूजफुल फर्स्ट फ्यूल टू जनरेट पावर फ्यूल है जो कि पावर को जनरेट करता है सेकेंड क्लीनर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में ये लेस पॉल्यूटिंग है क्लीनर फ्यूल है थर्ड फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज विच कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स पाइप्स के थ्रू उसको होम्स में और आपके इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है फोर्थ सी एन जी नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इन गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ डेली एंड सम अदर प्लेसेस जो अदर प्लेसेस है सम पार्ट्स हैं वडोदरा के जो कि डेली के और गुजरात के वहां भी क्या होता है सी पाइपलाइन नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर एट

वो फिफ्टी परसेंट लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन दिच आर द मेन पोलुडेंट ऑफ एयर पोल्यूशन हाउ एवर इट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन एज देयर आर बेटर सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नाउडेज लाइक अ सोलर एनर्जी अगर अपन सोलर एनर्जी यूज करें एज एन फ्यूल के फॉर्म में इट इज अ बेस्ट सोर्स एज अ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग ऑफ फोसोफ्यूल्स आप बर्न करें फोसोफ्यूल्स को तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं क्या क्या रिजल्ट होते हैं आंसर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बर्निंग ऑफ फोसोफ्यूल्स आर फर्स्ट इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन सेकेंड वन इज ग्लोबल वार्मिंग द बर्निंग ऑफ फोसोफ्यूल्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ अनबंट कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर हर फॉसोफ्यूल्स में कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ठीक है मोर क्लीनर फ्यूल क्या है सी एनजी कम्प्रेस नेचुरल गैस दीज पार्टिकल्स एक्ट एज एन पॉल्यूटेंट एंड इंक्रीज एयर पॉल्यूशन जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स की तरह यूज करते हैं ठीक है पॉलिटेंट्स मतलब द सब्सटेंस विच कैन कॉज पॉल्यूशन उसको हम क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करने का रूट कॉज है उसको हम क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स और वो क्या करता है एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है तो फोसोफ्यूल्स रिलीज पॉइजनस गैसेस सच एस कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर क्या रिलीज करता है मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सीओ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मलाइज एस ओ टू इन द एटमोसफेयर सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग फोसोफ्यूल्स वैंड बर्ड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर जैसे हम फोसो फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एयर में और आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है एयर में इट कैन ट्रैप द हीट वो क्या करने लगता है हीट को ट्रैप करने लगता है और जैसे हीट को ट्रैप करता है तो आपका टेम्परेचर एटमोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो देट कैन लीड्स टू अ ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन नंबर टेन वाई शुड वी यूज फ्यूल्स इकोनॉमिकली फॉसो फ्यूल्स so हम लोग इकोनॉमिकली क्यों यूज करना चाहिए आंसर फर्स्ट दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी क्योंकि ये क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है बिकॉज दे कैन रिक्वायर सेवरल इयर्स टू फॉर्म उनको बनने में बहुत साल लगते हैं। आंसर सेकेंड पॉइंट, बर्निंग दीज फ्यूल्स ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि जैसे ही हम इस फ्यूल्स को बर्न करते हैं दे विल कॉज द Air pollution as well as the global warming. Hence we should use these fuels economically to make sure that we can use them for a longer time. ठीक है इसलिए इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए क्योंकि हम ये फॉसोफ्यूल्स को कम अमाउंट के fuels को हम लार्जर टाइम तक यूज कर पाए और जो रिक्स है ग्लोबल वार्मिंग का एंड एयर पॉल्यूशन का उसको हम क्या कर पाए रिड्यूस कर सके कम कर सके एंड वी कैन लिव इन अलीनर एनवायरमेंट और एक हम साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रह सके मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ कैन वी सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग आप अपने पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हो आंसर अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पी सी आर ए इन इंडिया वी कैन सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल्ड ड्राइविंग बाय एक एसोसिएशन है उसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ठीक है उसने कुछ रूल्स बनाए जिसको आप फॉलो करके अपने पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हो फर्स्ट रूल क्या है ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड मॉडरेट स्पीड में करना चाहिए मतलब ना ही ज्यादा हाई स्पीड में ना ही ज्यादा लो स्पीड में ड्राइव करना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए मतलब चेंज नहीं करना चाहिए स्पीड को सेकेंड मेंटेन टायर प्रेशर एट करेक्ट लेवल आपके जो टायर का जो प्रेशर है आपके टायर में जो हवा होती है उसको करेक्ट प्रेशर में होना चाहिए थर्ड स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू आर वेटिंग सच एज ट्रैफिक लाइट जब ट्रैफिक लाइट होती है ठीक है वेट सिग्नल होता है आप वेट कर रहे हैं तो आपको अपना इंजन स्विच ऑफ करना चाहिए टू सेव द पेट्रोल एंड डीजल फोर्थ टू रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल्स आपको अपने व्हीकल्स का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए रेगुलर सर्विसिंग करवाना चाहिए जिससे आपके इंजन की एफिशिएंसी क्या हो ठीक रहे और पेट्रोल और डीजल कम बर्न हो ठीक है तो दीज आर द पॉइंट्स डेट वी कैन यूज और फॉलोड टू सेव अ पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग